नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नया वर्ष आने वाला है और सभी लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि उनका नया वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी राशि अनुसार ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो किस प्रकार रहेगा। और ये वार्षिक राशिफल जो मैं बताने वाला हूँ वो 7 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, यानी 7 बिंदुओं को लेकर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और तबादला, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, धार्मिक कार्य तथा उपाय। इन्हीं 7 बिंदुओं के ऊपर मैं आपको पूरा वार्षिक राशिफल देने वाला हूँ। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज बताने वाला हूँ वृष राशि के बारे में। मेरा पिछला वीडियो मेष राशि के बारे में था और आने वाले जो वीडियो होंगे वो बाकी राशियों के बारे में होंगे। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं वृष राशि के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले व्यवसाय की। तो ये वर्ष आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करने वाला होगा तथा साथ ही सभी प्रकार के कार्यों में गति भी प्रदान करेगा। मतलब अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवसाय तभी संभव है जबकि आपकी मानसिक जो स्थिति है वो अच्छी रहे। लेकिन अनावश्यक तनाव के चलते वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है जिसके कारण परिवार की एकजुटता पर असर पड़ेगा। मतलब आपको चाहिए कि आप वाद विवाद से बचें, क्योंकि अगर किसी प्रकार का वाद विवाद होगा तो तनाव उत्पन्न होगा तो घर की जो एकजुटता है, यानी घर में जो आपकी एकता है, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने विवेक से इन परेशानियों से आसानी से निकल जाओगे, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। तो ऐसी अगर स्थिति आई भी घर में तो आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उससे आसानी से बाहर निकलवाओगे। लेकिन यदि आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने उच्च अधिकारी के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि वाद विवाद की जो स्थिति है वो हो सकता है आपके उच्च अधिकारी के साथ भी बने, तो वहां पर आपको कष्ट हो सकता है, इसका आपको ध्यान देना है। यदि आप शेयर मार्केट या भूमि के क्रय विक्रय संबंधी कोई कार्य में रुचि लेते हैं तो इसमें आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। अगर आप सतर्क रहेंगे तभी आपको लाभ होगा, अदरवाइज इसमें हानि हो सकती है। अप्रैल के महीने में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं धन संपत्ति की। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष आपकी अचल संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आप मकान भूमि के मामलों में उलझ सकते हैं। मतलब अचल संपत्ति तो बढ़ सकती है लेकिन कई अगर भूमि मकान के मामलों में आप किसी प्रकार से उलझ सकते हैं और आपके गृह निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान देना है। पुरानी फैक्ट्री, भूमि एवं घरेलू सामग्री बेचने का विचार बन सकता है। हो सकता है कि जो बहुत पुरानी फैक्ट्री आपकी कोई हो, या घर आप बेचना चाहते हैं, या कोई जमीन बेचना चाहते हैं, तो इस प्रकार का विचार आपका बन सकता है। चलिए हम बात करते हैं घर परिवार की। तो मई जून के महीने में घर या रिश्तेदारों के यहाँ मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे तथा परिजन में सामंजस्य की स्थिति निर्मित होगी। मतलब मई और जून का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पर या तो आपके घर में या आपके किसी खास रिश्तेदार के घर कोई भी शादी या कोई भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं। और जब मांगलिक कार्य होते हैं तो घर में अच्छा वातावरण रहता है और सामंजस्य की स्थिति बनेगी। साथ ही आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की भी पूरी संभावना है। अगर आर्थिक मामलों की बात करते हैं, इसमें भी इस समय यानी कि मई जून के महीने में आपको सफलता मिल सकती है। चलिए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये वर्ष एलर्जी, सिर दर्द, आंखों की परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। यानी ये वर्ष जो है आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है कि एलर्जी की, सरदर्द की, आंखों की परेशानी, इन चीज़ों से आप जूझ सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेकिन फिर भी परेशानी तो परेशानी होती है। और साथ ही किसी वस्तु से घात आदि का भय भी बना रहेगा, यानी आपको ध्यान देना है कोई काम करते समय कि आपको किसी प्रकार की चोट ना लगे। मार्च तथा जून के महीने में स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी आपकी चल रही है या कोई परेशानी आपको है तो उसके ज़्यादा होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी वो परेशानी आपकी बढ़ सकती है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान देना है। चलिए बात कर लेते हैं यात्रा और तबादले की। तो इस वर्ष आप अपना कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब हो सकता है आप अपना जो कार्य क्षेत्र मतलब या तो आप वहाँ से हट सकते हो या अपना काम ही बदल लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। इसके साथ ही आपका ट्रांसफर होने के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो बॉस है वो आपका ट्रांसफर किसी और जगह कर दें। नौकरी में घर वापसी की संभावना बनते बनते रुक सकती है। मार्च से मई के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा का योग बन रहा है। हो सकता है आप किसी ऑफिस के वर्क से या खुद के काम से आप इन दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता की। आप एक अगर विद्यार्थी है तो आपके लिए ये वर्ष शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है।
वर्ष के पहले 6 महीने में यानी कि फर्स्ट हाफ में कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। यानी जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, आपको इसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको एकाग्रचित होकर तथा मन लगाकर काम करोगे तभी आपको ये सफलता मिलेगी, तभी आपका ये कार्य सिद्ध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं हम कि इन सभी चीज़ों के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो इस वर्ष आपको अगर अपने भाग्य का पूर्ण सहयोग चाहिए यानी आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपके साथ दे तो आपको शनिवार का व्रत और हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए। आपको गोमेद रत्न तथा हीरा रत्न धारण करना चाहिए तभी आपको लाभ होगा या इससे आपको अधिक लाभ होगा। वृक्षारोपण करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो जो कि मिथुन राशि के ऊपर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।